अलंकार याद करने में दिक्कत होती है, मुश्किल मुश्किल पैटर्न मिल जाते हैं, मुश्किल पलटे मिल जाते हैं या आसान भी मिल जाते हैं, उन्हें हम समझ नहीं पाते हैं तो हम उन्हें रटने की कोशिश करते हैं, उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं और फिर हमें वो याद होते नहीं। तो उसका क्या कोई एक तरीका है, कोई पैटर्न है, कोई पैंतरा है जिससे हम अलंकार जल्दी से याद कर लें? तो आज मैं बहुत छोटा सा बड़ा सिंपल सा है, बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ अपने वीडियोस में, पर आज फिर से बताता हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करके कि उन अलंकारों को याद करने का क्या तरीका है बनिस्बत के रटने के। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि ये छोटी सी टेक्निक बड़ी आसान है, ऐसी कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है, कोई महान पैंतरा नहीं बताऊंगा, बड़ी सिंपल सी तकनीक है। लेकिन हम ये वही वाली बात है ना, कॉमन चीज़ें जो सिंपल होती है ना, कॉमन सेंस होती है, वो हम छोड़ देते हैं, वो हम अपनाते नहीं है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मालूम चलेगा कि कैसे अलंकारों को याद आसानी से आप कर सकते हैं बनिस्बत रटने के। बात करनी हो तो क्या बेखुदी लाऊं, बात करनी हो तो क्या बेखुदी लाऊं, खुद से मिलने को मैं कैसे खुदी लाऊं। सात सुर हैं, अगर आप तार सप्तक के सा को भी काउंट करते हैं तो आठ हो जाते हैं, लेकिन वो सुर तो अपने साथ ही बनते हैं। लेकिन अलंकार का ये स्ट्रक्चर रहता है कि वो सा से सा तक जाता है। जैसे कि अगर मैं गाऊं सा रे ग म प ध नि सा, तो ये सा से सा तक गया। अब इसमें सा रे ग रे ग म ग म प म प ध नि ध नि सा, ये तीन तीन की जोड़ बनाई तब भी सा तक गया। सा सा रे ग रे ग सा ग सा रे ग रे सा रे सा ग सा ग रे रे ग म ग म रे म रे ग म ग रे ग रे म रे म ग ग म प म प ग प ग म प म ग म ग प ग प म म प ध प ध म ध म प ध प म प म ध म ध प प ध नि ध नि प नि प ध नि ध प ध प नि प नि ध ध नि सा नि सा ध सा ध नि सा नि ध नि ध सा ध सा नि नि सा रे सा रे नि रे नि सा रे सा नि सा नि रे नि रे सा। ये मुश्किल सा मेरखंड से थोड़ा बहुत मेल खाता हुआ, प्रॉपर मेरखंड नहीं था लेकिन यानी ये तीन वाला तो प्रॉपर ही था। इसके अगर आगे मैं करता हूँ चार वाला, जो मेरखंड के मैंने अलंकार बताए हैं उसमें मैं थोड़ा सा उसको शॉर्ट करके आपको अलंकार बताता हूँ, है ना। जैसे ये तीन वाला, ये तो पूरा था, जैसे तीन के छः बने, कैसे बने एक बार देख लेते हैं। वैसे इस टॉपिक पर है नहीं वीडियो, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। सा रे ग सा रे ग, तीन का फिर रे ग सा ग सा रे ग रे सा रे सा ग सा ग रे। इस तरह से मुश्किल वाले अलंकार, या इससे भी आसान जैसे कि सारे सागर एक सारे सागर एक सा, है ना, अगर ऐसा कोई अलंकार है, या सागर रे ग सारे नि सा रे म ग म रे ग सा रे ग प म प ग म रे ग प म ध प ध म प ग म प नि ध नि प ध म प ध सा नि सा ध नि प ध नि रे नि रे सा रे नि सा ध नि सा ग रे ग सा रे नि सा। इस तरह से मुश्किल अलंकार हैं, इनको कैसे याद करूं? इनको या तो रटो, इनको बार बार अभ्यास करो, जबान से बार बार गाते रहो तो हमारी जबान पर ये फिर भी सेट हो जाए। लेकिन क्या ये सही तरीका है? नहीं, मेरे हिसाब से इन्हें याद करने के लिए बड़ा सिंपल सी टेक्निक है। सात सुर हैं, इन्हें सात नंबर दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 से हम ज़्यादा फैमिलियर हैं बनिस्बत के सारे गामा पधनी के, क्योंकि गिनती हम रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी बार दोहराते हैं तो हमें उनका क्रम याद है और उनको हम अच्छे से बोल सकते हैं बनिस्बत के सुरों के। अगर मैं आपको कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 आपको बोलना है और अलग अलग इसके कॉम्बिनेशन बनाइए, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7 6 6 6 7 8, तो इस तरह से करना आपके लिए आसान होगा बनिस्बत की सारे गम पधनी। एक नया विद्यार्थी के लिए ये ज़्यादातर बातें हैं जो अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी सुरों से उसका क्या बोलते हैं वास्ता पड़ा है, है ना, तो उसको एकदम से याद नहीं होंगे कि इनके अगर मुझे क्रम बनाने पड़े, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने पड़े तो क्या बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ये तकनीक अपनाते हैं उन्हें याद करने के लिए कि उन्हें गिनती दे देते हैं। कितना भी मुश्किल अलंकार हो उसे गिनती दे दीजिए, सारे गम पधनी दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7। अब तीन तीन की जोड़ अगर मैं बनाने को कहता हूँ तो एक से तीन की जोड़ बनाइए, 1 2 3, तो सारे ग, यानी हमने असाइन कर दिया है, नंबर असाइन कर दिया। ये तो मैंने सरल में बताया, अब इसको मुश्किल अगर मैं पैटर्न बना के इसी चीज़ को समझाने की कोशिश करूँ तो अगर मैं कहता हूँ कि सागर एगा सारे नीसा, तो इसको मैंने कह दिया 1 3
1, 2, 3, 1, 2, 0, 1. 0, 1 इसीलिए क्योंकि वो 1 से पहले आ रहा है। अब ये अगर मैंने पैटर्न बोल दिया, सिर्फ ये पैटर्न एक बार याद कर लीजिए, आपको पूरा अलंकार खुद से बनाना आ जाएगा। सिर्फ एक शुरुआत में आपने पैटर्न दे दिया 1, 3, 2, 3, 1, 2, 0, 1। अब यही नंबर आपने फ्रेम कर लिया दिमाग में, अब यही आपको रे से बनाना है, क्योंकि जो पैटर्न होता है वो हर सुर से बनता है। जैसे सारे ग तीन की जोड़ है, तो अब हर सुर से तीन तीन की जाएगी, सारे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा। चार की बनाई तो सारे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नि प ध नि सा। पांच की तो सारे ग म प रे ग म प ध ग म प ध नि म प ध नि सा। इस तरह से हमने फ्रेम्स बना लिए, इस तरह से हमने फ्रेजेस बना लिए। अब ये 1, 3, 2, 3, 1, 2, 0, 1 ये नंबर याद कर लिया, अब रे से यही बनाना है। तो रे को 1 मान लिया, तो रे से अगर तीन गिनोगे तो 1, 3 यानी रे म 1, 3, 2, 3, 1, 2, 0, 1। तो अपने आप वही पैटर्न बन गया, सा ग रे ग सा रे नि सा रे म ग म रे ग सा रे। आपको याद नहीं करना पड़ेगा गाते समय। अब वो तो स्वाभाविक बात है कि अगर ज़बान पर सेट करने वाली बात है तो वो तो ज़्यादातर रियाज जितनी बार अभ्यास करेंगे तो अपने आप ज़बान पे वो सुर, वो जो फ्रेज़ है वो सेट हो जाएगा। लेकिन पैटर्न अगला पता करने के लिए मुझे आपको पूरा अलंकार नहीं बताने की ज़रूरत पड़े, मैं शुरुआत का एक पैटर्न बताऊं और आगे का पूरा अलंकार आप बना लें, इसको याद कर लें, इसको समझ लें। तो ये वो तरीका है कि आप नंबर दे देते हैं। अब ग से बनाएंगे तो 1, 3, 2, 3, 1, 2, 0, 1। ग प म प ग म रे ग, तो सा ग रे ग सा रे नि सा रे म ग म रे ग सा रे ग प म प ग म रे ग। 1, 3, 2, 3, 1, 2, 0, 1। म ध प ध म प ग म। तो ऐसे में क्या होता है कि हम कितना भी मुश्किल अलंकार हो, जैसे मैंने कुछ समय पहले एक अजय चक्रवर्ती जी का और कौशिकी जी का एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें मैंने एक अलंकार महसूस किया, तो वो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी थी। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है पर ऐसा कुछ था, वो सा रे ग म सा प म ग रे ऐसा करके कुछ था, सा ग रे ग सा रे ग म सा प म ग रे रे म रे म ग म रे ग म प रे ध प म ग। तो अब इतने कॉम्प्लिकेटेड अलंकार को याद करने के लिए क्या तरीका है, आप इन्हें नंबर दे देंगे कि 1, 2, 3, 4। तो अब वो पैटर्न याद हो गया कि 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, ये एक पैटर्न है। अब इसी को आप हर सुर पर रिप्लेस कर करके, असाइन कर करके नया पैटर्न आगे बना लेंगे। अब जैसे बहुत मुश्किल आती है एक अलंकार जो हमारी स्वरांगिनी किताब में है, वो अक्सर लोग गलत गाते हैं, जो है सारे सा ग ग रे ग रे म म ग म ग प प म प म ध ध प ध प नि नि ध नि ध सा सा। या फिर इसी का एक और अलंकार जो इसकी जोड़ बनती है, सारे सा ग ग रे सा सा रे सा ग रे सा रे ग रे म म ग रे रे ग रे म ग रे ग म ग प प म ग ग म ग प म ग। ये भी गलत गाते हैं क्योंकि इसमें ये जो ग ग ये वाला जो पोर्शन है ये लोगों को नहीं समझ आता है। लोग गाते हैं सारे सा ग ग रे ग रे म म, ऐसे कर देते हैं सारे सा ग ग, या फिर सारे सा ग ग रे ग रे म म, एक एक्स्ट्रा गैप जोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, गिनती में सबसे पहले उसे फ्रेज कर लीजिए कि उसका क्या बना। जैसे कि बना सारे सा ग 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 3, ये पैटर्न उसका बना, एक ही डैश उसमें लग रहा है। ऐसे जब आप पैटर्न दे देते हैं, नंबर दे देते हैं और उसके बाद उन्हें अच्छे से गिन लेते हैं लय में, तो आप कभी अलंकार भूलेंगे नहीं। और अलंकारों के ज़र्ब अगर आपने ध्यान रखे, यानी कि उनकी बांट, उनका डिवीजन कहाँ कट रहा है, तो वो अलंकार बजाना या गाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। वरना क्या होता है, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे मेरखंड जितना कॉम्प्लिकेटेड अलंकार मैंने बताया कि सा रे ग रे ग सा ग सा रे ग रे सा रे सा ग सा ग रे, अगर इस तरह से इसे ना गाया जाए तो ये सुन के बड़ा मुश्किल हो जाता है, सा रे ग रे ग सा ग सा रे ग रे सा रे सा ग सा ग रे। तो आप सोचेंगे अरे यार इसे याद कैसे करो, ये तो समझ ही नहीं आता, जाल है ये तो एक तरह से, जबकि कोई जाल नहीं है। तीन तीन की जोड़ आपको बनानी है, सा रे ग 1, 2, 3, अब रे से बनाएं 1, 2, 3, सा पे दोबारा आएगा और अब ग से बनेगा ग सा रे। ये क्रम है, वैसे ज़रूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में हो, 6 कॉम्बिनेशन होने होते हैं, कुछ भी बन सकते हैं किसी भी क्रम में, लेकिन अगर क्रम में बनाकर एक अलंकार बनाकर आप याद कर लें तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, इसे गाना भी और सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है। वरना ये बहुत अटपटा भी लगता है, जल्दी से आपको समझ भी नहीं आएगा। इसको समझने के लिए इसका क्रम तय कर दीजिए, जैसे कि हम उमूमन हर अलंकार में करते हैं कि पहले सा से गाते हैं, फिर रे से गाते हैं, फिर ग से गाते हैं, फिर म से गाते हैं। तो इसमें तीन की जोड़ है, तो सा से गाया, रे से गाया, ग से गाया, उसके बाद उल्टा भी गाना है, ग से गाया, रे से गाया, सा से गाया, यानी सारे ग 1, 2, 3। अब 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2, ये हमने इसके कॉम्बिनेशन बना लिए, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2,
213 132, है ना। तो ये 132 क्या हुआ, रे पे एंड हुआ, तो अब रे से हम अगला क्रम शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप किसी भी अलंकार को आसानी से समझ सकते हैं। और जिस जर्ब की मैं बात कर रहा था, वो झटकों की बात कर रहा हूँ, वहाँ कट देने हैं। जैसे सारे ग रे ग सा ग सारे, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि हर अलंकार में जो उसका एक पेयर है वो अलग दिखाई देना चाहिए, दूसरा अलग दिखाई देना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि लड़ एक जैसी बननी चाहिए, वैसी भी होनी चाहिए। अगर जब आपको कह दिया जाए कि अब इसको लड़ बनाना है, इसमें ज़र्ब नहीं दिखाने हैं, इसमें वो झटके नहीं दिखाने हैं, बांट नहीं दिखानी, तो वैसे भी गाना आना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर आपको वो बांट आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपको समझ आ जाता है। जैसे कि मैंने बोला, ताल बोलनी है तो तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना नहीं बोलनी है, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना वजन के साथ बोलनी है, कि जहां उसका वजन आ रहा है, धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना, इस तरह से बोलनी है। तो ये किसी भी लय में अगर इसी वजन में बजेगी तो आप पहचान लेंगे, वरना धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना धिन्ना धिन धिन्ना। जब झपताल की चौगुन करते हैं ना, तो लोगों को दिक्कत यही आती है कि वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो कन्फ्यूज क्यों हो जाते हैं कि धिन्ना बोला या नहीं बोला, क्योंकि लास्ट में भी धिन्ना है और शुरू में भी धिन्ना है, धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना। लेकिन ये कन्फ्यूजन नहीं होगी अगर आपने वजन के साथ बोला है, क्योंकि शुरुआत का धिन्ना वो दो की पेयर है और आखिरी जो धिन धिन्ना है वो तीन तीन की पेयर है, धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना, तो आखिरी वाली तीन की है। अगर आपने इसके पहले हर खंड के पहले वाले का वजन ध्यान रखा है तो आप ये ताल में कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। और ये सेम चीज़ आपकी अलंकारों के साथ होती है। अगर आपने अलंकार में ज़र्ब दिया, जैसे कि सारे ग रे ग सा ग सारे ग रे सा ग सा ग रे रे ग म, तो आपको याद रहेगा। अब ये तो तीन तीन का है, बढ़ा देंगे तो सारे ग म रे ग म सा ग म सारे, कट दीजिए वहाँ, हल्का सा बल दीजिए, वहाँ जंप है, सारे ग म रे ग म सा ग म सारे म सा रे ग म ग रे सा म ग सा म ग रे सारे ग म प रे ग म प सा ग म प सारे म प सारे ग प सारे ग म प म ग रे सा म ग रे सा प ग रे सा प म ग सा प म ग रे, है ना। ये पूरा अलंकार बनेगा। अब जैसे मैं छह का करूं तो सारे ग म प ध रे ग म प ध सा, ऐसा जाएगा सारे ग म प ध रे ग म प ध सा ग म प ध सारे म प ध सारे ग प ध सारे ग म ध सारे ग म प ध प म ग रे सा प म ग रे सा ध म ग रे सा ध प ग रे सा ध प म रे सा प म ग रे सा ध प म ग सा ध प म ग रे रे ग म प ध नी, इस तरह से आगे पूरा क्रम बनता है। तो उन अलंकारों को, उन सुरों को नंबर दे दीजिए, पैटर्न्स को एक फ्रेज दे दीजिए, अपने आप आगे का पैटर्न आप बना सकते हैं। अब जैसे मैंने चौथे पेज की बात करी, सारे सा ग ग, तो अगर वो सारे सा ग ग ऐसे अगर आप अभ्यास करेंगे तो पूरा अलंकार गलत जा रहा है। ग ग ग डैश ग, तो इसे गिनते समय सारे सा ग ग छह मात्रा बन रही है, सारे सा ग ग रे ग रे म म, है ना। पहले आप अभ्यास करेंगे एक दो तीन तीन, एक दो तीन तीन, है ना। इस तरह से आप उसको समझेंगे, वरना तो रट लिया, समझेंगे कि कहाँ खाली पोर्शन आया है और फिर वापस बोल आया है, यानी ऑफ बीट कैसे बन रही है। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो आपको ख्याल रखनी चाहिए। बाकी आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, उसमें और डिटेल में हम इन पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते रहें हमारे वीडियोज़ को, इसी तरह हम कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे, बांटते रहेंगे आपके साथ ऐसी कुछ बातें जो ज़्यादातर लोग संगीत के बारे में सोच नहीं रहे हैं। फॉलो कीजिए हमें हर प्लेटफॉर्म पर, हर मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम हैं, फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, सब जगह हमें फॉलो कीजिए, हमारी डेली अपडेट्स आती रहती हैं। शुक्रिया।